अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो यार सबसे पहले तो आज के मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई जीतेगा ऑस्ट्रेलिया बट कुछ और ही हो गया ऑस्ट्रेलिया इज लाइक बांग्लादेश तो बांग्लादेश भी बेटर खेल रहा है उनसे एटलीस्ट तो मैंने प्रेडिक्ट किया था मैच से पहले कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता फील्डिंग का फ़ैसला किया वहाँ पर मुझे हल्का सा हुआ कि यार फील्डिंग नहीं करनी चाहिए थी बैटिंग करनी चाहिए थी क्योंकि बैटिंग उनकी मैन पावर है बॉलिंग भी अच्छी है बट पिचीज़ ऐसी हैं कि यहाँ पे बॉलर कोई का किसी काम के नहीं है टू बी ऑनेस्ट तो क्या लग सकता है आपका लेकिन टू बी ऑनेस्ट बॉलर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इन पिचिज़ पे अच्छा मैच होता है और मैच में जो हमारा हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साउथ अफ्रीका की तरफ से न्यूजीलैंड इंग्लैंड की तरफ से जो उनकी फील्डिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल लैग किया है मतलब मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हूँ एटलीस्ट एटलीस्ट मैं सैटिसफाई नहीं हूँ कि हैज़ अ तजिया कार नया नया तजिया कार मैं इस चीज़ से सैटिस्फाई नहीं हूँ भाई कि आप इतनी गंदी फील्डिंग कर सकते हो टू बी भीस्ट इतनी गंदी फील्डिंग आप नहीं कर सकते और वो अभी वर्ल्ड कप के एक इंपॉर्टेंट मैच में जिसमें आप पिछले मैच में आपका रन रेट नेगेटिव में जा रहा हो तो तकरीबन सात मेरे ख्याल से कैच ड्रॉप किए हैं सात कैच बहुत बड़े कैच बहुत ज़्यादा होते हैं रन आउट चांसेस मिस किए हैं इन्होंने फिर भी यार जो मुझे एक पॉइंट स्टार्ट से लिया था ना डिकॉग ने तो मुझे ऐसा पॉइंट लग रहा था कि साढ़े तीन सौ तीन पौने चार सौ स्कोर होगा लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया तीन सौ बारह पे इतना बड़ा स्कोर नहीं था आई थिंक सो लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिटी टीम नज़र आती है क्वालिटी बॉलिंग नज़र आती है पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ तीन सौ थ्री लाइक थ्री फोर्टी प्लस टारगेट था बट वी अचीव दैट क्यों क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी बॉलिंग नहीं हो रही थी यहाँ पर क्वालिटी बॉलिंग की बात आती है बड़ी टीम्स आपको चेज़ नहीं करने देती कभी भी उनके पास स्ट्रेटजी होती है उनके पास माइंड होता, होता है उनके पास गेम प्लान होता है ए बी सी तीन तरह के प्लान होते हैं क्रिकेट किर में ठीक है तो वो आपको आ, इस इस तरह से कभी देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी ख़तरनाक टीम को सब जरखा ने चेज़ नहीं करने दिया तो बहर मायूसी तो हुई है यार होनेस मेरी जो एक गुड विशिज़ होती हैं वो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के साथ होती हैं आई डोंट नो आई क्यों तो ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल से जीतना चाहिए था ये गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम थी उनके लिए और आगे तो इससे अब डू एंड डाई वाला सीन होने वाला आई थिंक जिस तरह से रन रेट जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है कि ये उनको बारी बढ़ने वाली है ये वाली ये वाली हार भी क्योंकि पिछला भी उनका रन रेट नेगेटिव में जा रहा था और इस बार तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो हंड्रेड प्लस से हारे हैं वन सेवेंटी सेवन स्कोर किया था उन्होंने और मोर देन हंड्रेड एंड थर्टी फोर्टी स्कोर से हारे हैं वो तो ये तो उनका बिल्कुल नेगेटिव में जाएगा साउथ अफ्रीका के, के पास पॉजिटिव पॉइंट आ चुका है उनका रन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है पिछले मैच में उन्होंने 400 प्लस किया था इस मैच में उन्होंने थ्री प्लस किया और अच्छे एक मार्जिन से हार हराया है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट है यह बल आप लोग इस बारे में क्या कहते हो आप लोग कहाँ पर आपको लगा वीक पॉइंट है कैप्टनसी के हवाले से विकेट्स के हवाले से बॉलिंग की बैटिंग के हवाले से आप लोग भी कमेंट्स करें बताएं इसमें और अगला मैच है पाकिस्तान और इंडिया का अगला नहीं है लाइक डे आफ्टर टुमारो पाकिस्तान इंडिया का मैच है और उसमें आप लोग क्या कहते हैं इस पर क्या हम इस बार हिस्ट्री को तोड़ेंगे क्या हम इस बार आ, इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा वैसे हम टी ट्वेंटी में उन्हें हरा चुके हैं पहले तो हमारा टी ट्वेंटी का रिकॉर्ड भी बड़ा गंदा था लेकिन हम टी ट्वेंटी में उन्हें हरा चुके हैं तो होपफुली इस बार भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे बैटिंग लाइन हमारी अच्छी है चेंजिंग्स आई थिंक सो कि इस बार शेदब की जगह उसामा को खिलाना चाहिए यार आई थिंक so. देखो मुझे शेदब बर्षण दौर पर अच्छा लगता है इज इज़ अ टाइप पर्सन आई लाइक लेकिन यहाँ पर अगर अच्छा लगना हमने नहीं देखना हमने देखना परफॉर्म कौन कर रहा है चाचा परफॉर्म ना करे चाची को किसी ने नहीं रखना जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है जिस तरह के आ, उसकी लुक्स हैं चाचे को किसी ने कोई चांस नहीं देना बट हाँ वो परफॉर्म कर रहा है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ रहा है इस तरह अगर उसामा मीर है आ, अगर वो परफॉर्म कर देता है स्पिनर हमारे क्योंकि नवाज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है नॉ नॉट बैट बट बैटर कर रहा है चाचा एक कद भी कर दे रहा है हमें ठीक है इसके साथ अगर एक आ, उसामा मीर की एडिशन होती है ना क्योंकि वो अच्छा स्पिनर है यार उसको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ जब वो लाइक पहली बार आया था पी में तब से सफल उससे पहले एक लाइक रीजन कप होता है डोंट के उसमें भी उसमें देखा था भी बहुत यंग था बहुत यंग था उस टाइम उस टाइम उसका स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था अभी स्टाइल भी उसका थोड़ा चेंज हुआ है तो इस ए गुड बॉलर वो हमें हेल्प कर सकता हैं एटलीस्ट बैटिंग भी कर लेता है तो शादाब की जगह वो ले सकता है अच्छी तरीके से तो मेरे ख्याल से शदाब को रेस्ट देना चाहिए अगर लेकिन देंगे नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के खिलाफ मैच है तो इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से वो उस मम्मी का रिस्क नहीं लेंगे और शाब उसी टीम के साथ जाएंगे जो टीम हमारी पिछली जीती है पर उम्मीद अच्छी की है भाई देखते हैं क्या सीन होता है क्या सीन होता है तो बाकी इन शर हर मैच के बाद इस तरह इस तरह का तजिया आएगा आ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों से भी इन लाइव स्टार्ट करेंगे आप लोगों को लाइव लेंगे यहाँ पे बाकी आ, आप लोगों ने कमेंट करना है कि पाकिस्तान इंडिया में से कौन जीतेगा मैच बैठने लगा नहीं लगानी लेकिन कमेंट करना है बाकी मिलता है फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय